उत्तराखंड में तीन अनाथ बहनों का गाजर घर। सीतापुर गांव में कौशल्या अपनी तीन बेटियों के साथ एक किराए के घर पर रहा करती थी। क्योंकि कौशल्या की तीन बेटियां होने के कारण कौशल्या के पति सुरेश ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से कौशल्या अकेले ही अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण किया करती थी और वो अपना घर चलाने के लिए एक छोटी सी रेड़ी पर गाजर का हलवा बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसकी थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती थी उसी से वो अपना और अपनी बेटियों का पेट भरा करती थी। ऐसे ही कुछ ही महीनों बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और सर्दियों के मौसम में तो लोगों को गाजर का हलवा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसलिए कौशल्या सुबह होते ही गाजर खरीदने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ती थी, क्योंकि कौशल्या के घर से बाजार काफी दूर पड़ता था, इसलिए उसे सुबह जल्द ही अपने घर से जाना पड़ता था। ऐसे ही आज भी, अरे कंचन सुबह हो गई है, उठ जाओ और अपनी दोनों बहनों को भी उठा दो, मैंने नाश्ता बना दिया है, अब मैं बाजार जा रही हूँ, तुम लोग टाइम से उठकर नाश्ता कर लेना। लेकिन माँ बाहर तो अभी बहुत कोहरा हो रहा है और ठंड भी कितनी पड़ रही है, तो आप ऐसे में बाहर कैसे जाओगी? अरे बेटी हम गरीबों के लिए क्या ठंड और क्या गर्मी, हमें तो अपना काम करना ही होता है, इसलिए तुम ये सब छोड़ो और अपनी दोनों बहनों को उठाकर नाश्ता करा लो। इतना कहकर कौशल्या हाथ में थैला लिए बाजार की ओर निकल पड़ती है, लेकिन ठंड की वजह से बाहर पूरा कोहरा छाया होता है और रोड पर कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है और इतनी कड़ाके की ठंड में कौशल्या कप कपाते हुए जा रही होती है कि तभी सामने से एक ट्रक तेजी से आता है और कौशल्या को टक्कर मारकर चला जाता है और कौशल्या सुनसान रास्ते पर दर्द से तड़पते हुए मर जाती है। और इस बात की खबर जब उसकी तीनों बेटियों को पता चलती है तो वो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी माँ के अलावा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं था। माँ माँ क्या हुआ आपको, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, माँ उठिए ना। दीदी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ माँ को? हाँ दीदी माँ ऐसे क्यों लेटी हुई है, वो कुछ बोलती क्यों नहीं? आरती प्रिया माँ अब कभी नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है, अब हम लोग अनाथ हो चुके हैं। दीदी अब हम लोगों का क्या होगा, हम लोग माँ के बिना कैसे रह पाएंगे? प्रिया आरती तुम लोग रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर कंचन जैसे तैसे करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और कुछ दिनों तक तीनों बहनें अपनी माँ के मरने के सदमे में ही खोई रहती है कि उसी समय घर का मकान मालिक किराया ना मिलने की वजह से उन तीनों बहनों को घर से बाहर निकाल देता है और कड़ाके की ठंड में हाथ में एक फटा हुआ चादर लिए तीनों बहनें रोड पर इधर उधर भटकने लगती है। उसी समय कंचन की छोटी बहन प्रिया कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और भूख भी लगी है, तीन दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो ना। प्रिया थोड़ी देर और इंतजार कर ले मेरी बहन, अभी आसपास कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा कि हम किसी से पैसे मांगकर तुझे कुछ खिला सके। काश अगर आज माँ जिंदा होती तो वो हम सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही होती और हम लोग रजाई में आराम से बैठे नाश्ता कर रहे होते। माँ आज हमें आपकी बहुत याद आ रही है। दीदी आप चिंता मत करो, हम दोनों हैं ना आपके साथ, हम लोग आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ मेरी प्यारी बहनों, तुम लोगों के सहारे ही तो मैं जी रही हूँ। उसी समय कंचन को एक आदमी पार्क के पास जॉगिंग करते हुए दिखाई देता है। तभी कंचन उस आदमी से जाकर कहती है, साहब थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरी बहन ने तीन दिनों से कुछ नहीं खाया है, उसे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे तुम लोगों ने तो आजकल भीख मांगने का धंधा बना रखा है, चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं। इतना कहकर वो आदमी उन तीनों बहनों को वहाँ से भगा देता है। तभी ठंड से कांपती हुई तीनों बहनें आगे बढ़ती है। उसी समय उन्हें रास्ते में गाजर से भरा हुआ एक खेत दिखाई देता है। तभी आरती कहती है, दीदी इस खेत में तो कितनी सारी लाल लाल गाजर लगी हुई है, चलो ना इनमें से कुछ गाजर तोड़ लेते हैं, कम से कम इन गाजरों को खाकर तो हमारा पेट भरेगा। ठीक है आरती, लेकिन ध्यान रखना, अगर खेत के मालिक ने देख लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी।
इतना कहकर तीनों बहनें खेत में घुस जाती है और फटाफट से गाजर तोड़ने लगती है कि उतने में खेत का मालिक वहां आ जाता है और वो गुस्से में उनसे कहता है, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये चोरी छिपे मेरे गाजर तोड़ते हुए? अरे तुम्हें पता भी है कितने महंगे आते हैं ये गाजर, इसलिए चुपचाप से ये सारे गाजर यहीं रखो और निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम सबको थाने में बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं साहब, हम लोग कोई चोर नहीं है, वो तो हम लोगों को बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए हमने बस आपके गाजर तोड़ लिए थे, ये लीजिए आपके गाजर। इतना कहकर तीनों बहनें खेत के मालिक को उसके गाजर पकड़ाकर वहां से आगे बढ़ जाती है और कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी समय कंचन कहती है, हे भगवान, हम लोग तो चलते चलते जंगल में पहुंच गए हैं लेकिन हमें अभी तक अपना कोई ठिकाना नहीं मिला और कुछ देर में शाम भी हो जाएगी और हम लोग इसी तरह अगर ठंड में घूमते रहे तो हम लोगों की जान भी जा सकती है। दीदी, मुझे लगता है हमें सबसे पहले अपने रहने का कोई इंतजाम करना चाहिए, तभी हम इस ठंड से बच पाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी मुझसे अब और ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है आरती, तुम लोग आसपास देखो, अगर हमें घर बनाने के लिए कोई सामान मिलता है तो मुझे बताना। इतना कहकर वो तीनों बहनें जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। उसी समय प्रिया को जंगल के बीचों बीच गाजर का एक बड़ा सा खेत दिखाई देता है और वो चिल्लाती हुई अपनी बहन से कहती है, अरे दीदी इधर आइए, देखिए यहाँ गाजर का कितना बड़ा खेत है। अरे प्रिया, भला इस घने जंगल में गाजर का खेत कहाँ से आ जाएगा? इतना कहकर कंचन और आरती अपनी आंखों से जब वो गाजर का खेत देखती हैं, तभी कंचन कहती है, आरती मुझे लगता है ये कोई जंगली गाजर का खेत है जो अपने आप ही इस खाली जगह पर उग गए हैं। लेकिन दीदी, एक बार हमें इस गाजर को खाकर देखना चाहिए, शायद इसका स्वाद भी आम गाजरों जैसा हो। लेकिन आरती, अगर ये नुकसानदायक हुआ तो, या फिर ये जहरीला हुआ तो? दीदी, भूख से मरने से अच्छा तो हम ये गाजर खाकर मर जाए, कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। इतना कहकर आरती जैसे ही वो गाजर तोड़कर खाती है तो उसे उस गाजर का स्वाद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वो अपनी दोनों बहनों को भी वो गाजर तोड़कर खाने के लिए देती है, जिसे खाकर वो दोनों बहनें भी बहुत खुश हो जाती है। तभी कंचन कहती है, आरती प्रिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग इन गाजरों से ही अपना घर बना ले और ये दिखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, चलो मिलकर अपना घर बनाते हैं। इतना कहकर तीनों बहनें ढेर सारे गाजर तोड़कर और जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर अपना एक छोटा सा घर बनाती हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है और उस घर के अंदर उन्हें ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा होता है। उसी समय आरती कहती है, दीदी सच में हमारे ये गाजर का घर तो कितना सुंदर है और इसके अंदर तो हमें ठंड भी नहीं लग रही है। हाँ आरती, हम लोग ठंड से तो बच गए हैं लेकिन हमें अपने आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई काम तो करना ही होगा ना, हम लोग इस तरह जंगल में तो नहीं रह सकते हैं ना। दीदी क्यों ना आप इन गाजरों से ही माँ की तरह गाजर का हलवा बनाकर बेचो, माँ भी तो गाजर का हलवा बेचकर ही अपना घर चलाया करती थी। हाँ आरती, तूने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी माँ ने मुझे एक बार गाजर का हलवा बनाना सिखाया था तो आज से मैं भी गाजर का हलवा बनाकर बेचूंगी। इतना कहकर कंचन अपने कान की बालियों को बेचकर गाजर का हलवा बनाने का सामान खरीद कर ले आती है और उसकी दोनों बहनें खेत से लाल लाल गाजर तोड़कर ले आती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें मिलकर गाजर का हलवा तैयार करती है और बाजार में एक छोटे से टेबल के ऊपर अपना गाजर का हलवा बेचना शुरू कर देती है और उनके गाजर के हलवे का स्वाद इतना ज्यादा अच्छा होता है कि हर कोई उनके गाजर के हलवे का स्वाद लेने के लिए उनकी तरफ खिंचा चला आता है और देखते ही देखते उनका सारा गाजर का हलवा बिक जाता है, जिससे उनका काफी अच्छा खासा मुनाफा होता है और वो लोग इसी तरह हर रोज गाजर का हलवा बनाकर बाजार में बेचने लगते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है और कुछ ही दिनों में उनका ये गाजर का हलवा पूरे गांव में फेमस हो जाता है और कंचन बाजार में ही अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है, जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और अपना एक बड़ा सा घर लेकर वो तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगते हैं। बादलों में जादुई दो अनार का घर। रौनकपुर के एक छोटे से गांव में कल्याणी अपनी बेटी चंदा के साथ रहती थी।
पति की मौत के बाद कल्याणी के कंधों पर ही घर और बेटी की परवरिश की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। घर चलाने के लिए कल्याणी ने घर पर ही सिलाई का काम करना स्टार्ट किया, लेकिन गांव में उसे सिलाई के बहुत कम ही पैसे मिलते थे। चंदा अभी स्कूल में पढ़ रही थी। चंदा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। वो हर बार अपने कक्षा में प्रथम आया करती थी। चंदा का पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने का सपना था। एक दिन कल्याणी सिलाई कर रही थी, तभी चंदा आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ वो टीचर फीस के लिए बोल रही थी, 2 महीने से ज्यादा हो गया है और इस बार आपने अभी तक फीस नहीं दिए हैं। वो कह रहे थे इस बार फीस नहीं दिया तो वो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कल ही तेरे स्कूल जाकर तेरे टीचर से बात करती हूँ। फिर अगले दिन कल्याणी चंदा के स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से बोलती है, नमस्ते मैडम। मैडम मैं वो कह रही थी कि कृपया आप मेरी बेटी को अपने स्कूल से मत निकालिए। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत ही शौक है और देखिएगा एक दिन वो पढ़ लिख कर इस स्कूल के साथ साथ पूरे गांव और देश का नाम रोशन करेगी। वो सब तो ठीक है कल्याणी जी, लेकिन घोड़े और घास की कभी दोस्ती हुई है? अगर घोड़ा घास खाना बंद कर देगा तो वो भूखा नहीं मर जाएगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैडम मेरा यकीन करिए, मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मेरा भरोसा कीजिए, मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल है, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। देखिए कल्याणी जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। मैं आपके लिए उसे तो नहीं बदल सकती हूँ ना, और ना ही उसके खिलाफ जा सकती हूँ। मैं आपकी बेटी को अपने स्कूल में फ्री तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी। आप अपनी बेटी को किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करा देती? नहीं नहीं मैडम ऐसा मत कहिए, आप बस मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं फीस जमा करा दूंगी। ठीक है। इतना बोलकर कल्याणी घर तो आ जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अपनी बेटी का फीस कैसे भरे। तभी उसकी नजर उसकी सिलाई मशीन पर जाती है। क्यों ना मैं इस सिलाई मशीन को ही बेच दूं? आखिर यह मेरे किस काम की है? इस सिलाई मशीन से इतना काम भी नहीं हो पाता है जिससे मैं अपनी बेटी की स्कूल के फीस जमा करा पाऊं। ये सोचकर कल्याणी शहर जाकर अपनी सिलाई मशीन को बेच देती है और फिर उससे मिले पैसों को चंदा के स्कूल में जमा करा देती है। लेकिन अब उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचता है। 4 दिन हो गए थे लेकिन कल्याणी ने कुछ नहीं खाया था। वह बस अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा चावल बना दिया करती थी और खुद उसी चावल का मार पीकर सो जाया करती थी। एक दिन, माँ आज मेरा खीर खाने का बहुत मन है, क्या आप आज मेरे लिए थोड़ा सा खीर बना दोगी? कितने दिन हो गए आपने खीर नहीं बनाई। मेरी बिटिया का खीर खाने का मन है तो वो जरूर खाएगी। कल्याणी काम की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। तभी उसकी नजर बाजार में अनार बेच रही एक औरत पर जाती है जो अनार बेच रही थी, और लोग उससे उसके खूब सारे अनार खरीद रहे थे। अरे अगर ये औरत होकर यहाँ पर बाजार में फल बेच सकती है तो मैं क्यों नहीं। मेरे आंगन में तो अनार का पेड़ भी है और उसमें सुंदर सुंदर लाल लाल अनार भी लगे हैं, तो क्यों ना मैं उस अनार को तोड़कर यहाँ बाजार में उसे बेचूं। ये सोचकर कल्याणी घर आकर अपने अनार के पेड़ से खूब सारे अनार को तोड़कर शहर ले जाकर बेचने लगती है। कल्याणी के पेड़ों का अनार बहुत ही अच्छे और मीठे थे, इसलिए उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है। कल्याणी अब अपनी बेटी चंदा की सारी जरूरतों को बहुत ही अच्छे से पूरा कर पा रही थी। ऐसे ही उसके दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन तभी उसकी खुशियों को जाने किसकी नजर लग जाती है। शाम को जब कल्याणी फल बेचकर घर वापस आ रही थी तभी सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद चंदा अनाथ हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद चंदा खुद को संभालकर पहले की तरह ही स्कूल जाने लगती है, क्योंकि जल्दी ही उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब चंदा स्कूल पहुंचती है तभी उसे पता चलता है कि परीक्षा में बैठने से पहले सभी बच्चों को उसकी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
ये सुनकर चंदा सोच में पड़ जाती है। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत जो भी पैसे थे वो भी घर के राशन लाने में खत्म हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने घर की जरूरतों को भी पूरा कर सकूं। अब मैं स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? चंदा ये सोच ही रही होती है तभी उसके घर पर धनी राम आता है और चंदा से बोलता है। अरे चंदा बेटी, कैसी हो? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत ही भली औरत थी बेचारी। अच्छा बेटा, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ, तुम्हारी माँ जो मंडी में अनार बेचती थी, वाकई वैसे मीठे अनार मंडी में किसी के भी नहीं है। इतनी गर्मी में भी बिना किसी खाद के तुम्हारे आंगन के इस अनार के पेड़ में इतने सुंदर सुंदर और लाल लाल अनार हैं। बेटा, इस समय अनार की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे इन पेड़ों के सारे अनार खरीदने आया हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दे रहा हूँ। ये सुनकर चंदा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। 50,000 रुपए? इससे तो मेरी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। और तो और, इन पैसों से मैं अपने पूरे स्कूल के एक साल की फीस एक ही बार में भर सकती हूँ। ठीक है धनी राम जी, मुझे सौदा मंजूर है। ठीक है, ये लो 20,000 रुपए एडवांस। अब बाकी के पैसे मैं कल आकर दे दूंगा और मैं कल ही ये सारे फल तुड़वा कर शहर भेज दूंगा। जब तक तुम इस फल की रखवाली करना। इतना बोलकर धनी राम चला जाता है। इधर चंदा भी खुशी खुशी उन पैसों को लेकर बाजार जाती है और अपनी जरूरतों की सारी चीजें खरीद कर ले आती है। अब तो कल स्कूल जाकर अपनी फीस भी भर दूंगी और पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी। लेकिन चंदा की ये खुशी बस कुछ ही पल की थी। चंदा जब रात में अपने घर में सो रही थी तभी उसके आंगन में कुछ चोर घुस आते हैं और उसके अनार के पेड़ों के सारे अनार तोड़कर ले जाते हैं। सुबह होते होते उसके अनार के पेड़ का सारा अनार साफ हो जाता है। इधर इन सब बातों से अनजान चंदा स्कूल जाकर अपनी सारी फीस जमा कर देती है। शाम को जब धनीराम चंदा के घर फल तोड़ने आता है तो देखता है कि बगीचे में तो एक भी फल लगा ही नहीं है। फल तो पहले से ही टूट चुका है। ये चंदा की बच्ची तो बहुत चालाक निकली, मुझसे पैसे भी ले लिए और रात भर में ही सारे अनार बेच दिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वह गुस्से से चंदा को आवाज लगाता है। चंदा, तुमने सारे फल रातों रात में किसे बेच दिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल आपने ही तो मेरे पेड़ के सारे फल का सौदा किया था, फिर भला मैं किसी और को क्यों बेचूंगी? वाह, पढ़ लिख लेने का यही फायदा होता है। बड़ी आसानी से तुम किसी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चल जल्दी से मेरे पैसे दे। अगर तुझे किसी और को फल बेचना था तो तुमने मुझसे पैसे लिए ही क्यों? देखिए सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है रात में कोई चोर आकर फल तोड़ कर ले गया हो। मेरा यकीन करिए, मैंने किसी और को फल नहीं बेचा। वो सब मैं नहीं जानता। तुम मुझे कहीं से फल ला कर दो या फिर मेरे पैसे वापस करो। मैं तुम्हारी वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं सह सकता। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? मैं तुम्हें 2 दिनों का समय दे रहा हूँ, फिर मैं अपना पैसा 2 दिनों के बाद लेने आऊंगा। चंदा यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और वह सेठ के पैसे कहाँ से देती। वह यही सब सोचते सोचते नदी के किनारे जा पहुँची। तभी उसे वहाँ सोने की सीढ़ियाँ दिखाई दी जो कि बादलों की तरफ जा रही थी। अरे ये क्या, कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, पर आज अचानक यहाँ पर ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ गई? एक बार इन सीढ़ियों पर चढ़कर देखती हूँ कि आखिर ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है। ये कहते हुए चंदा उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। चढ़ते चढ़ते कुछ ही देर में वो बादलों में पहुँच जाती है जहाँ उसे 2 अनार का खूबसूरत घर दिखाई देता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तभी पहले अनार के घर से आवाज आती है। चंदा, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। इतना धन दौलत कि तुम्हें जिंदगी में कभी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सदा के लिए मेरे घर में ही रहना होगा। इतने में ही दूसरे अनार के घर से आवाज आती है। चंदा, तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हें जरूरत है,
और तुम यहाँ से उन पैसों को लेकर अपने घर भी जा सकती हो। अब बताओ तुम कौन से अनार के घर में आना चाहोगी। चंदा ने कुछ देर सोचकर उन दोनों जादुई अनार के घर से कहा। हे जादुई अनार के घर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न ही मुझे धन दौलत चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही सिखाया है, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैं दूसरे अनार के घर की बात मानकर उनके घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद चंदा जैसे ही दूसरे अनार के घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे उस घर के अंदर ढेर सारा रुपया, सोना चांदी और ढेर सारे हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं। यह देखकर चंदा हैरानी से बोलती है, हे जादुई अनार के घर, आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी है। चंदा, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वह जादुई सीढ़ियाँ बनाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। तुम पैसों की वजह से इतनी परेशान थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस पहले जादुई अनार के घर की बात ना मानकर मेरी बात मानी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई अनार घर की बात सुनकर चंदा बहुत ही खुश होती है और फिर जादुई अनार के घर का धन्यवाद कर वहाँ से ढेर सारे सोना चांदी लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है। और घर आकर वह सबसे पहले 50,000 रुपए धनी राम मंडी वाले को दे देती है और उसके बाद बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है और जल्दी ही वह एक बहुत बड़ी कलेक्टर बनकर अपने गांव और देश की सेवा करने लगती है।